हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों तथा पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और जो भी उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहते किसे हैं? तो प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो तीन ओर से जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अपने भारत का दक्षिण वाला जो हिस्सा है वह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीप भारत में प्रमुख पठारों के बारे में। तो प्रायद्वीप भारत के प्रमुख पठार निम्न हैं, कौन कौन से? बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। ठीक है, तो भारत का सबसे जो विशाल पठार है वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये रहा, दक्कन के पठार का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब लगभग भारत का आधा भाग तो पठार है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख 84 हज़ार कुछ किलोमीटर स्क्वायर है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर दक्कन का पठार ही है। इसे तेलंगाना में तेलंगाना के पठार के नाम से जानते हैं तथा कर्नाटक में कर्नाटक के पठार के नाम से जानते हैं, जो कि दक्कन के पठार का हिस्सा है। और पठार लगभग 400 मीटर से जो ऊंचे भाग होते हैं उनको पठार की संज्ञा दी जाती है। और जो दक्षिण का पठार है, ये वाला हिस्सा एक किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और मालवा का जो पठार है अरावली पर्वत के दक्षिण में है। अरावली पर्वत यहीं पर था। अरावली पर्वत के दक्षिण में मालवा का पठार है तथा ये बिंद पर्वत के उत्तर में पड़ता है। बिंद पर्वत श्रृंखला इसी तरह थी कुछ राजस्थान से लेकर बिहार तक, तो ये बिंद पर्वत के उत्तर में है और इसका जो ढाल है वह भी उत्तर की तरफ है। ढाल जो है उत्तर की तरफ है, इसी कारण इससे निकलने वाली नदियाँ इधर से जो आती हैं चंबल, बेतवा और काली सिंध जाकर यमुना में मिलती हैं। ठीक, और बघेलखंड का पठार मालवा के उत्तर में पड़ता है और छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ झारखंड वाले हिस्से में पड़ता है और दंडकारण का भी पठार पड़ता है। ठीक, और शिलांग का पठार मेघालय में पड़ता है और इसी के अंतर्गत ही तीन श्रेणियाँ गारो खासी और जयंतिया इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत का पर्वत है पहला शिखर अरावली रेंज में पड़ता है गुरु शिखर। ठीक है, और गुरु अरावली रेंज जो है गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक जाती है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक चली जाती है और दिल्ली में इसे रिज के नाम से जाना जाता है। और इसकी अधिकतम जो लंबाई है वो राजस्थान में है और दक्षिणी राजस्थान में इसे जरगा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और दिल्ली में रिज के नाम से जाना जाता है। और यह दुनिया के सबसे विशालतम या दुनिया के सबसे पुराना वलित पर्वत में से एक है और जेएनयू जो दिल्ली में है यह इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट आबू में गुरु शिखर स्थित है और इसी पर प्रमुख दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है इसी शिखर पर। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के अंतर्गत यह राजस्थान से स्टार्ट होकर राजस्थान के चित्तौड़ से शुरू होकर के मध्य प्रदेश होते हुए बिहार के सासाराम कैमूर तक यह श्रेणी फैली हुई है और इस श्रेणी का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में यानी कि यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और ये जो सतपुड़ा रेंज है इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है यानी कि ताप्ती बहती है और ऊपर नर्मदा नदी बहती है यानी कि जो सतपुड़ा रेंज है नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। ठीक है, और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश है और भ्रंश उसे कहते हैं जहाँ पर भूभाग नीचे खिसक जाता है। अब देखते हैं अगला पर्वत श्रेणी सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज एक गुजरात से शुरू होकर के मध्य प्रदेश होते हुए और झारखंड तक फैला हुआ है और यह दक्कन के पठार का ही भाग है और एकमात्र ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और नर्मदा तथा ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ हैं और
और इस पर जो प्रमुख शिखर हैं, प्रमुख चोटियां हैं, वो राजपिपला और महादेव की पहाड़ी और अमरकंटक। इस पर जो तीन हैं, तीन मुख्य रूप से इस पर पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। पहला कौन, राजपिपला की पहाड़ी सबसे पश्चिम में है, और दूसरी है महादेव की पहाड़ी, ये मध्य में है, और तीसरी है मैकाल पहाड़ी, ठीक है। और मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ स्थित है, और यहाँ से ही दो नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, एक सोन नदी निकलती है जो अपना मुहाना गंगा नदी में बनाती है, और दूसरी नर्मदा नदी जो कि बहकर कहाँ पर आती है, अरब सागर में। सोन नदी गंगा में पटना के पास अपना मुहाना बनाती है, जबकि नर्मदा नदी कच्छ की खाड़ी में गुजरात में आकर अपना मुहाना बनाती है। और महादेव की पहाड़ी पर धूपगढ़ी स्थित है, महादेव की पहाड़ी पर धूपगढ़ी नामक चोटी स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, इस सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़ी। और इसके बगल में स्थित है गालिबगढ़ पहाड़ी, और सबसे पश्चिम में स्थित है राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है। सबसे पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव, और पूर्व में मैकाल की पहाड़ी स्थित है। और धूपगढ़ी में ही पंचमढ़ी रेलवे स्टेशन है, धूपगढ़ी में पंचमढ़ी रेलवे स्टेशन है। और मैकाल पहाड़ी की जो सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, इसकी ऊंचाई लगभग 1064 यानी 1064 मीटर है, जो पुरानी शैलों से निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। और अमरकंटक के पश्चिम ओर नर्मदा नदी तथा उत्तर में सोन की नदी बहती है, और तथा दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। और महानदी निकलकर कहाँ जाती है, महानदी निकलकर पूर्व साइड जाती है, और सोन नदी गंगा के पास, जबकि नर्मदा नदी अरब सागर में आती है। अब आगे देखते हैं पश्चिमी घाट अंतर्गत। पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होकर के यहाँ तक आता है केरल तक, ठीक है। और इधर से पूर्वी घाट शुरू होकर के आता है यह भी केरल तक, और दोनों मिल करके यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर गांठ का निर्माण करते हैं, जिसे अनाईमुट्टी गांठ कहते हैं, या फिर ये नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत आती है। और जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत सातमाला की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, हरिश्चंद की पहाड़ी, रत्नगिरी की पहाड़ी व बालाघाट की पहाड़ियाँ आती हैं। इनका क्रम भी ऐसे ही है, पहले सातमाला, फिर अजंता, फिर हरिश्चंद, फिर बालाघाट, फिर रत्नगिरी की पहाड़ियाँ ऐसे ही आती हैं। और पश्चिमी घाट की जो टोटल लंबाई है, लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, और यह हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय की कितनी लंबाई थी, हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर थी, और यह हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, और इसे दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री में बांटा गया है। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है, उसे कहते हैं कालसुबाई, उसका नाम है कालसुबाई, और यह महाराष्ट्र में है, और 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो दक्षिण में है, और कालसुबाई के दक्षिण में पड़ती है कौन सी चोटी, महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी भी महाराष्ट्र में ही पड़ती है, और महाबलेश्वर चोटी से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और कर्नाटक के पश्चिम घाट पर दो चोटियाँ हैं, जो दक्षिणी सह्याद्री है इसके अंतर्गत जो चोटी आती है उसकी नाम है केंद्रमुखी, केंद्रमुखी चोटी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई कितनी है, 1892 मीटर। और इसी के नीचे है ब्रह्मगिरी चोटी है, जिसमें से कावेरी नदी का जहाँ से उद्गम होता है। और दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट जहाँ मिलकर घाट का निर्माण करते हैं, उसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और इसका विस्तार तीन राज्यों में था, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है डोडाबेट्टा, क्या नाम है, डोडाबेट्टा। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड्डी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है, जबकि यदि नीलगिरी की पूछा जाए तो डोडाबेट्टा है। और यहीं पर जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी है, वह भी यहीं पर स्थित है। और केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन घाटी, शांत घाटी, केरल में पेरियार शांत वन्य जीव अभयारण्य भी है, और शांत घाटी यहीं पर है, नीलगिरी पर्वत पर ही है। और नीलगिरी पर्वत में एक गैप है, जिसे पालघाट दर्रा कहते हैं। वैसे दर्रा यहाँ से यहाँ तक लगभग चार दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, पहला है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है,
और इसे पार कर कर ही मुंबई जाना होता है। और मुंबई जो है साल सेटे द्वीप पर स्थित है, थालघाट दर्रे की मदद से ही जाया जाता है। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा दो पहाड़ों के बीच में जाने वाला सकरा मार्ग जो प्रदान करता है उसी को दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच का जो सकरा वाला हिस्सा होता है उसे ही दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो थालघाट दर्रा महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ही है, इसे पार करके मुंबई जाना होता है। और इसके नीचे है, इसके यानी दक्षिण में है, महाराष्ट्र में ही है, उसका नाम है भोरघाट दर्रा। और मुंबई से पूरे इससे ही होकर के जाया जाता है और NH4 स्थित है, ठीक है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में। अब आता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल में है, ठीक। और इसके दक्षिण में सेनकोट्टा दर्रा, केरल, जो कि केरल से मदुरई को जोड़ता है, केरल से मदुरई को जोड़ता है। और मदुरई जो है तमिलनाडु का सबसे पुराना शहर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं पूर्वी घाट की ओर। पूर्वी घाट में मुख्य रूप से जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो हैं राजमहल, राजमहल की पहाड़ी, तो सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी है, ठीक है। राजमहल की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी है, सबसे पूर्वी साइड में। और जो पूर्वी घाट में है, पूर्वी घाट की पहाड़ी है गढ़जात की पहाड़ी, कोरापुट की पहाड़ी और मलयगिरी और महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी और मलयगिरी ये पड़ती हैं कहाँ पर? उड़ीसा में। महेंद्रगिरी की लंबाई 1501 मीटर है और मलयगिरी की 1181 या 82 मीटर है। अब उसके बाद बढ़ते हुए आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से तीन पहाड़ी पाई जाती हैं, तीन पर्वत पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक नल्लामल की, जिस पर तिरुपति बालाजी का मंदिर भी स्थित है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसके दक्षिण में पाई जाती है बेरीकोंडा, और बेरीकोंडा के दक्षिण में पालकोंडा। तो इसका क्रम कैसे हुआ? क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर नल्लामल, बेरीकोंडा तथा पालकोंडा, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब इसके बाद आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो पहाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन है? जवादी की पहाड़ी, सेवाराय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी। और ये सब जो पहाड़ियाँ हैं ये चारकोनाइट चट्टान से बनी हैं। कौन चट्टान? चारकोनाइट चट्टान से बनी हुई हैं। और ये जो पूर्वी घाट है इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और पश्चिमी घाट जो है इसकी तुलना में बहुत ऊंचा है, ठीक है। पश्चिमी घाट इसकी तुलना में ऊंचा है। और पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है विशाखापट्टनम। सर्वोच्च ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है। और दूसरे नंबर पर है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर, ठीक है। अब जवादी, सेवाराय, पंचमल्ला हो गया। अब श्रीमल्ला की पहाड़ी भी यहीं पर पड़ती है। और दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? नागर कोयल की पहाड़ी, ठीक है। नागर कोयल की पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। जबकि दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी की बात की जाए तो वह है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। और दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर होती है कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा का मतलब कि जो मानसून इधर से उठता है, कहाँ से? अरब सागर से जो मानसून उठता है वह या तो पूर्वी घाट की तुलना में ऊंची है। कितनी ऊंचाई है? लगभग 1000 से 1300 मीटर इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। और जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई औसत 600 मीटर है। तो जब इधर से मानसून उठता है तो ऊंचाई होने के कारण पर्वतों से टकरा कर यहीं पर बारिश कर देता है। तो यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। जबकि ये जो अरावली वाला रेंज है, अरावली वाला रेंज इधर सूखा क्यों? राजस्थान में, क्योंकि इधर से जो मानसून उठता है अरब सागर से वह आता तो है लेकिन ये जो पर्वत है इसके समांतर पड़ जाता है, ठीक है। तो मानसून इसके अगल बगल से होकर निकल जाता है और ये जो अरावली रेंज है वह उस रोक नहीं पाता है और इसी कारण यहाँ का एरिया सूखा रह जाता है, ठीक है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, होती भी है तो बहुत नाम मात्र की होती है। अब अंडमान तथा निकोबार की बात कर लें। अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। और अंडमान को चार भागों में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और तथा छोटा अंडमान में बांटा गया है। और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये मध्य अंडमान पर स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। और जो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है अंडमान में वो है सैडल पीक। सैडल पीक मध्य अंडमान में स्थित है और 737 मीटर इसकी ऊंचाई है।
और जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, गलत हो गया था। तो पोर्ट ब्लेयर राजस्थान जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है और 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। और दो यहाँ पर ज्वालामुखी भी हैं, कौन कौन से, नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम और बैरन, नारकोंडम सुषुप्त मतलब मृत ज्वालामुखी है और जो बैरन है ये जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, अब निकोबार की देखते हैं। निकोबार को भी दो भागों में बांटा गया, छोटा निकोबार तथा वृहद निकोबार। छोटा निकोबार तथा वृहद निकोबार। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन है, वो है इंदिरा पॉइंट। यदि मुख्य भूमि की पूछी जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा, और यदि पूरे भारत का पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम इसका बिंदु है जो कि वृहद निकोबार में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब पूर्वोत्तर भारत में कुछ पहाड़ियाँ हैं, इसे भी देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है, डाफला, मीरी, अवारे और मिसमी, इसका क्रम भी पश्चिम से पूर्व की तरफ इसी तरह है। पहले डाफला, फिर मीरी, अवारे और मिसमी, ये हिमालय के भाग हैं। ठीक है, और हिमालय पर्वत जब चला जाता है म्यांमार में तो इसे अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और असम में दो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से हैं, कौन, एक मिकिर की पहाड़ी और एक वराई की पहाड़ी। और पटकाईगुम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और मेघालय में मुख्य रूप से तीन पहाड़ियाँ कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। पश्चिम से पूर्व क्रम इसी प्रकार है, पहले सबसे पश्चिम में गारो, फिर मध्य में खासी और फिर जयंतिया। ठीक है, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी है जो कि हिमालय का ही भाग है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा पहले अरावली रेंज, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरसिखर चोटी अरावली रेंज में पड़ती है, और हर्षनाथ की चोटी भी, हर्षनाथ पर्वत श्रृंखला भी इसी पर स्थित है। उसके बाद विंध्य श्रेणी, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से होकर बिहार तक जाती है। ठीक है, और इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, और तथा सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ये दोनों नदियाँ अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, और सतपुड़ा रेंज की जो सबसे प्रमुख चोटियाँ थी वो राजपीपला, महादेव और मैकाले रेंज थी। ठीक, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी थी। और राजगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और सात माला, अजंता, हरिश्चंद्र, रत्नगिरी और बालाघाट की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में पड़ती हैं जो कि दक्कन के पठार का भाग है। ठीक, और राजस्थानी महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है इसे कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा से लेकर के कर्नाटक तक के बीच के क्षेत्र को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक से लेकर के केरल तक के बीच का जो तट है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, और फिर इधर तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के बीच का जो तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से, और आंध्र प्रदेश से लेकर यानी कि तमिलनाडु के उत्तरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पॉइंट से लेकर के उड़ीसा तक के बीच का जो क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, जबकि उड़ीसा में इसे उत्कल तट और पश्चिम बंगाल साइड में बंगाल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक, और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी थी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 किलोमीटर है। और ठीक है, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, और ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद 100 क्वेश्चन की सीरीज भी आएगी तो उसे देखना न भूलिएगा। ठीक है, जो भी इसमें छूटा होगा उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।